हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सिग्मा कोचिंग क्लासेस के चैनल पर। और आज हम सीखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ से, अपनी जन्म तिथि से अपनी आयु कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे लिए एक सूत्र है, बहुत सिंपल सा सूत्र है जिसका हमारे लिए उपयोग करना है कि डेट ऑफ बर्थ से अपनी आयु कैसे निकालना है। तो समझ लेते हैं उसको। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, आज की दिनांक लिख लेते हैं। सबसे पहले हम आज दिनांक है 12 मई, मई मतलब कौन सा, पांचवा महीना, तो ये पांचवा महीना। सन लिखेंगे हम तो ये 2020। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, इसको सीधा ना लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं अपन वर्ष लिखते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं अपन महीना, और यहाँ पर लिखते हैं अपन दिनांक। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गई आज की दिनांक। अगर हमारे लिए किसी की आयु निकालना हो वर्षों में, दिन में, समय में, तो यहाँ पे हमने देखा कि किसी की आयु देख लेते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 1994 तीसरा महीना है और दिनांक है उसकी 10। इस व्यक्ति की हमारे लिए क्या निकालना है, आयु निकालना। सिंपल सा तरीका है कि आज की दिनांक में से उस व्यक्ति की जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ को हमारे लिए माइनस करना है। किसमें से, आज की दिनांक में से। आज की दिनांक तो क्या है हमारे पास में, 12, पांचवा महीना चल रहा है और 2020। ठीक है, और जन्म तिथि क्या है, 10 तारीख तीसरा महीना 1994। तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। सिंपल सा तरीका, माइनस कर देते हैं, 12 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। ठीक है, 5 में से 3 जाएंगे तब भी 2 बचेंगे, और 2020 में से 1994 को माइनस कर दो, जल्दी से माइनस कर दो, तो 20 यहाँ से और 6 यहाँ से कितने हो गए, 26। मतलब 26 वर्ष 2 महीने और 2 दिन का वो व्यक्ति होगा। ठीक है, आगे समझ लें, बहुत सिंपल सा तरीका है डेट ऑफ बर्थ से हमारे लिए क्या निकालना है, आयु निकालना है। एक बार समझ लेते हैं कि सबसे पहले तो हम आज की दिनांक लिख देते हैं कि आज की दिनांक है क्या, 2020 पांचवा महीना और 12। इस तरीके से लिखना है कि वर्ष सबसे पहले, फिर महीना आएगा और फिर आएगी दिनांक। ठीक है, फिर उसके नीचे माइनस करना है उस व्यक्ति की, हम लिख देते हैं जन्मतिथि 1994 तीसरा महीना और ये 10 तारीख। फिर इसको माइनस कर दिया, इधर से माइनस करना है, 12 में से 10 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 5 में से 3 गए तो 2, इधर 2020 में से 1994 को माइनस किया तो यहाँ पे बचेंगे 26। 26 वर्ष, वर्ष है 26 वर्ष, महीना है 2 महीने का, दिनांक है तो ये 2 दिन का व्यक्ति होगा। ये तो बहुत सिंपल सा तरीका था, बहुत सिंपल सा था, सीधा सीधा यहाँ पे हमने माइनस किया था। लेकिन अब हम देख लेते हैं कि जिसमें हमारे लिए इधर से हासिल देना पड़ती है उसकी जन्मतिथि कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। सभी को आगे हो गई ये वाला समझ में, तो हम देखते हैं दूसरा वाला जिसमें थोड़ा सा कठिन होता है। मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन, दिनांक तो यही रहेगी, दिनांक तो बदलेगी नहीं ना, ये तो आज की दिनांक है, आज की दिनांक तो बदलेगी नहीं, यही रहेगी। हम दूसरे व्यक्ति की जन्मतिथि लिख लेते हैं। मान लीजिए ये लिख ली हमने 1994 और 10वां महीना और तारीख थी हमारे पास में 15। ये हमने किसी दूसरे व्यक्ति की जन्मतिथि लिख ली, और जब हम इस व्यक्ति की जन्मतिथि से, डेट ऑफ बर्थ से इसकी आयु निकालें, क्या निकालें, आयु को हमें क्या करना पड़ेगा, आज की दिनांक में से उसकी जन्मतिथि को माइनस करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा तरीका है, पर अब यहाँ पे दिक्कत तो ये हो जाती है कि 12 में से 15 तो जाएंगे नहीं, 12 में से 15 नहीं जाएंगे, तो इधर से हमारे लिए हासिल लेना पड़ेगा, और जब हासिल लेंगे तो क्या उसी तरीके से हासिल लेंगे, 5 में से इधर जाएगा तो ये कितने हो जाएंगे, ऐसे नहीं लेना है। इस तरह से अब ऐसे लेना है कि यहाँ पे देखो ये किसमें है, ये महीने में है और ये किसमें है, दिनांक। तो हमें पता है कि एक माह में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। ठीक है, मतलब कि जब इधर से हम एक इधर हासिल लेंगे तो कितने जुड़ेंगे, 30 जुड़ेंगे, 30 जुड़ेंगे इधर आने पर। क्यों,
क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं, ठीक है, एक महीने में 30 दिन, 12 पहले से थे, एक महीना इधर गया, 30, 30 और 12 कितने हुए, यहाँ पे हमारे पास में 42 हो जाएंगे, तो हमने 12 को हटाकर यहाँ पे क्या लिख दिया, 42 हो गए। इधर कितने बचे हमारे पास में, इधर बचेंगे हमारे पास में 4 बचेंगे, ठीक है, आ रहा है समझ में सभी को, यहाँ पे हो गया। अब हमने इसमें से इसको माइनस कर देते हैं कि 42 में से जब अपन 15 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा अपने पास में 27, इधर 4 बजे, 4 में से 10 तो जाएगा, अब 4 में से 10 नहीं जा रहा तो हम इधर से यहाँ से ले लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, वर्ष से महीने में जाएगा तो तुम्हें पता होगा कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं, ठीक है, एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12, 2020 से जब हम इधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचेगा हमारे पास में 2019, और इधर कितने माह हो जाएंगे जाकर, 12 हो जाएंगे, 4 महीने पहले से 12 ही हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 16, तो 16 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा हमारे पास में, 2019 में से इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ पर 19 और ये 6 कितने हो जाएंगे, 25, मतलब कि 25 ईयर 6 महीने और 27 दिन का वो व्यक्ति होगा। तो इस प्रकार से हम इसमें हासिल वाले भी और बिना हासिल वाले भी आसानी से निकाल सकते हैं।